ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा प्यार का सागर, दिव्य गुणों के भंडार, सर्वशक्तियों का सागर, आज हम बच्चों को कह रहे हैं यह पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है। पद का आधार गरीबी व साहूकार पर नहीं, पढ़ाई पर है। इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ज्ञानित्व आत्मा का पहला लक्षण कौन सा है, बाप पूछ रहे हैं। वो सभी के साथ अति मीठा व्यवहार करेंगे। इसलिए बाबा रोज क्या कहते हैं, मीठे बच्चे। किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी रखना, यह तो ज्ञानित्व आत्मा का लक्षण नहीं है। बाप का श्रीमत है, बच्चे अति मीठा बनो। बाबा कहते हैं प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूं और अब मुझे घर जाना है। तो बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम लोटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, तू प्यार का सागर है। बाबा कहते हैं बच्चों ने किसकी महिमा सुनी, निराकार बेहद के बाप की। वो ज्ञान का सागर ऊंचे ते ऊंच है, उनको ही ऊंचे ते ऊंच बाप कहा जाता है। परम शिक्षक अर्थात ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। अभी तुम समझते हो यह महिमा हमारे बाप की है, जिस द्वारा हम बच्चों की भी वही अवस्था होनी है। वो बड़े ते बड़ा बाप है, कोई साधु संन्यासी तो नहीं है। ये तो बेहद का बाप निराकार परमपिता परमात्मा है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह हमारा बेहद का मात पिता पति आदि सब है, फिर भी यह नशा स्थाई नहीं रहती, घड़ी घड़ी बच्चों को भूल जाता है। यह तो ऊंचे ते ऊंचे अति मीठे ते मीठा बाप है, जिसका सभी आधा कल्प याद करते हैं। लक्ष्मीनारायण को इतना याद नहीं करेंगे, भक्तों को भगवान एक ही निराकार है, उनको ही सब याद करते हैं। भल कोई लक्ष्मीनारायण को और कोई गणेश को या और किसी देवी देवताओं को मानने वाले होंगे, फिर भी मुख से कहेंगे है भगवान, शब्द ही निकलेगा है परमात्मा। अक्षर जरूर सबके मुख से निकलते हैं, आत्मा उनको याद करती है। जिस्मानी भक्त जिस्मानी चीजों को याद करते हैं तो भी आत्मा इतनी पिताव्रता जो है अपने बाप को जरूर याद करती है। दुख में झंझट में आवाज निकलता है परमात्मा, दुख हरता सुख करता, माने दुख हर लो सुख दे दो। तो बाबा कहते हैं यह तुम अभी जानते हो, हम डायरेक्ट अपने को इंश्योर करते हैं। ये तो हमेशा कहते हैं फल देने वाला ईश्वर है। बाबा कहते हैं फल देने वाला ईश्वर है, सबको ईश्वर ही देते हैं। भल कोई साधु संत अथवा रिद्धि सिद्धि वाला हो, देने वाला सबको ईश्वर है। आत्मा कहे कि देने वाला ईश्वर है, दान पुण्य आदि करते हैं फिर भी उसका फल देने वाला ईश्वर ही है। यह पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं है, बाबा ने समझाया है। गरीब का भी इतना ही इंश्योर होता है, साहूकार लाखों करेगा तो उनका लाखों मिलेगा, गरीब एक रुपया करेगा साहूकार का 5,000 करे तो भी एब्जा दोनों का इक्वल माना बराबर होता है। वो लाखों करेगा तो लाखों मिलेगा, एक करेगा तो लाखों मिलेगा। मदार पढ़ाई पर है, गरीब अच्छा पढ़ते हैं
तो उनका पद साहूकार से भी ऊंचा हो जाता है। पढ़ाई में ही कमाई है, तो आज के मूल्य बाबा बार बार पढ़ाई के ऊपर कह रहे हैं कि पढ़ाई में ही कमाई है। भगत सब कह देते हैं बेअंत है, त्रिकालदर्शी कोई हो नहीं सकता, समझते मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परमात्मा है, यह उल्टा झाड़ है, फिर भी कह देते हैं यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। वरवर यथार्थ तो बाप ही बताएंगे, तो नॉलेज फुल सारा मदार तुम बच्चों की पढ़ाई पर है, अभी तुम नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। भगते जब यह बुद्धि में बैठे और लिख कर दें तब बाबा के पास ले आने चाहिए बच्चों को, समझेंगे ये तो बराबर ठीक है, इतना समय जो समझते थे हाँ वो सब रंग है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वो तो बेहद का बाप है। वरवर भारत को कलप कलप संगम पर बेहद के बाप द्वारा वर्षा मिलता है, संगम पर और इसी समय ही मिला था, अब फिर मिल रहा है, ये लिखना है। वरवर बाप संगम पर ही आते हैं, आकर वी के द्वारा स्वर्ग की रचना करते हैं, जब लिख कर दें तब उस पर समझा सकेंगे। तुम किसके पास आए हो, क्या लेने आए हो? ईश्वर का रूप तो निराकार है, ईश्वर का रूप ना जानने के कारण ब्रह्म तत्व तो कह देते हैं। बच्चों को समझाया है बाबा ने, वो तो बिंदी है, यह बात और किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगी कि परमात्मा एक बिंदी है। आत्मा के लिए कहते हैं चमकता सितारा भ्रुकुटी के बीच में, वो छोटी सी चीज, तो विचार करना है पाठधारी कौन, इतनी छोटी आत्मा में कितना अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। इन बातों में जब कोई डीप जाए तब उनको समझाना है। तुम्हारी आत्मा कहती है हमने 84 जन्म लिए हैं, तो बाबा कहते हैं जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। भगत हैं जाग सजनिया जाग, अब नई दुनिया स्थापना होती है, पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। तुमने त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम नहीं सुना है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया है ना। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं ज्ञान का सिमरण कर त्रिकालदर्शी बनना और बनाना है। अंधों की लाठी बन उन्हें अज्ञान नींद से सुजाग करना है। 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर करना है, साथ साथ ज्ञान की शंखधनी करनी है, अपने जिम्मेवारियों के सब बोझ बाप को दे सदा निश्चित रहने वाले सफलता संपन्न सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं जो बच्चे जितना स्वयं हल्का रहते हैं उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते रहते हैं, अर्थात उन्नति को पाते रहते हैं। इसलिए सब जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर स्वयं निस्फुरण रहो, किसी भी प्रकार के मैपन का बोझ ना हो, सिर्फ याद के नशे में रहो, बाप के साथ कंबाइन रहो, तो जहां बाप हैं वहां सेवा तो स्वतः ही हुई पड़ी है, मतलब करण करावनहार करा रहा है, तो हल्के भी रहेंगे और सफलता संपन्न भी बन जाएंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगान दे रहे हैं बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चित रहो, मतलब जो भी हो रहा है बिल्कुल हर बातों में कल्याण है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे मैं संपूर्ण सफलता संपन्न सेवाधारी आत्मा। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर बाबा के प्यार में खोए रहना है। परम पिता परमात्मा परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर है, प्यार की किरणें बरसा रहे हैं,
24 घंटे। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन, मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन।